खंड भट्टुकला के गांव बनावाली में। गांव बनावाली में इस समय बहुत से घर ऐसे हैं जो कल हुई बरसात के चलते पानी से जलमग्न हो गए हैं, और यहां के जो हालात हैं ये आपके सामने पीछे दिखाई दे रहे होंगे, यहां का हालात काफी खराब हो चुके हैं, और यहां के पानी निकासी न होने के चलते इन लोगों के घरों से लोगों को निकलना भी मुश्किल हो गया है। अपने घरों में किस तरह से आवागमन कर रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं, और ये कैसे समस्या आई, और इनका इनको लेकर इस पानी निकासी को लेकर यहाँ पर क्या कैसे प्रबंध है, इनकी इस सब बातों की जानकारी लेने के लिए आज गांव बनावाली में हम पहुंचे हैं। तो हम आपसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम रणजीत सिंह रेखा जी, गाँव बनावाली से। कल इतनी तगड़ी बारिश हुई है 3 घंटे लगातार कि गाँव के 20-25 घरों में पानी घुस गया है, और बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। उनका खाना बनाना और करना तो बहुत समस्या हो रही है, तो इसका मैं सरकार से विनती करता हूँ, इसकी कोई समस्या का हल करो। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विजय सिंह है, पूर्व पंचायत समिति मेंबर हूँ ग्राम बनावाली से। हमने पीछे भी एक बार इसका पानी का समाधान किया था, निकलवाया था, इसके बाद अब की बार दोबारा 3 दिन हो गए, बारिश बहुत ज्यादा है। इसमें से 20-30 घर तो ऐसे है जिनमें पानी क्या माल निकलने के लिए भी जगह नहीं है, डांगरों की, खाना बनाने की, सारे बहुत ज्यादा दिक्कत है। आगे ना कोई पानी निकासी, ना कोई प्रशासन हमारी मदद कर रहे हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द इस पानी की निकासी की जाए, और गांव में जो गलियां है वो खोली जाए, और सभी लोगों को राहत महसूस हो, ये आशा करते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो भी हेल्प हो वो सरकार करे। पानी निकासी को लेकर ये मांग कर रहे हैं, यहाँ काफी विकट समस्या बनी हुई है। हम कैमरामैन से आगे आने की कोशिश करें, हम लेकर चलते हैं इन घरों की ओर जहाँ किस तरह के हालात है और लोग किस तरह से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ आप भी बताइए सर, इन्होंने तो बांध लगा रखा है पहले ही, दिखाइए कैमरामैन। हाँ ये दिखाइए, बांध बनाकर ये रखा, क्या स्थिति है? फिर भी आपके हालात यहाँ के गाँव के बारे में बताओ। तो ये कह रहे हैं मुझे बोलना नहीं आता, ठीक है चलो हम चलते हैं गाँव के घरों में, यहाँ के हालात कैसे हैं। ये जिस तरह से काई आपको साफ दिखाई दे रही होगी, गंदगी वगैरह, ये है जोर से हो ओवरफ्लो होने के बाद ये पूरा पानी गांव में फैल गया है, और इस तरह के हालात, ये गंदगी भरे हो गए हैं, इस तरह से हो गए हैं यहाँ के हालात जो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक गुड़िया भी इस गेट के सामने दिखाई दे रही है। ये हालात है घरों में पानी की निकासी, घरों के आगे जो गली है वो पानी से लबालब है। कुछ और घरों में हम लेके चलते हैं जी। माता जी ये कैसे हालत हो गए? आपका कलावती ये परसों हो गया जी। पानी घना ही आ गया, देख लियो आपने, निकाला नहीं गया क्या पानी? निकालिया गना ही, फिर के देख लियो। सरकार द्वारा पानी की निकासी को लेकर कोई प्रबंध? प्रबंध भी वे कौन, एक जनो तो कौन करे, सारा कई रलगे करावे तो करो भाजी। ठीक कलावती देवी जो आप अपनी बात बताई। इस जो खाली हो रही है वो तकड़ी गर्ते बाहर ही कन कर दें जी, बंद हो रहा जी। इतने बच्चे तो भी सुख बहुत मिल जाए, बड़ा उरा देती है सारी समस्या। डांगर पसंद छोटू है बोले, और बाजे चैटिंग एरिया पर रोइडो है, बाजे आवे बाजे के बन सर्दी नहीं रोक रखा, बंद रखा कुआड़ कुंटा ही, बाप कोशिश करो जी। ये हालात हैं गांव के, इन्होंने बताया कि हम तो बंधक बनकर रह गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को घरों में सुरक्षा की दृष्टि से रख रहे हैं ताकि बच्चे गली में ना आ जाएं और कहीं उनका ऐसा यहाँ कोई हादसा ना हो, इसको लेकर ये जी जी बच्चे को भी दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरह से बंधक बनाकर रख रहे हैं। इनके हालात बहुत ही दयनीय हो गए हैं। गाँव बनावाली में फतेहाबाद जिला भट्टुकला खंड का गाँव है ये बनावाली। यहाँ हम एक घरों में भी लेके चलते हैं, यहाँ के घरों के किस तरह के हालात हैं ये देखिए। खाना नहीं बना पा रहे सर जी, ये बताओ। मेरा नाम है जी राजेंद्र सिंह कनेला। ये सर 3 दिन हो गए सर। हाँ जी 3 दिन हो गए। गाँव बनावाड़ी में ये घर बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि घरों में हम खाना भी नहीं बना पा रहे हैं,
और पीने के पानी को लेकर भी यही हालात है। ये टैंक वाटर टैंक के ऊपर से गंदगी का पानी और फ्लो कर आ गया है। ये हालात है यहाँ के। ये कह रहे हैं कि खाना भी नहीं बना पा रहे और घर के अंदर अब भी पानी, तीन दिन से अब भी पानी है। ये पानी जोड़ के ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ आ गया और गंदगी युक्त पानी घरों के अंदर इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ का पूरा आंगन पानी से ही लबालब है। गांव बनावाली में यहाँ यह केवल यह हालात पानी पानी के नहीं, इनके अब आपको दिखाते हैं यहाँ के जो इस पानी के ठहराव होने से इनके मकानों को किस तरीके की स्थिति हो गई है। इनके यहाँ आपके सामने दिखाई दे रही दीवार, दीवार जो है कच्ची दिखाई दे रही है। ये ऐसे इस तरह के हालात हो गए हैं। ये पीछे भी दिखा देते हैं, सामने जो मकान है उनमें दरारें आई हुई हैं। यहाँ किसी तरह का कोई हादसा ना हो इसको लेकर भी इस पानी की जल्द से जल्द निकासी हो ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। हम तो यही मांग करेंगे। लोग बार बार अपनी बातें रख रहे हैं और हमें बता रहे हैं। आज गाँव बनावाली में आने का मुख्य मकसद यह था कि यहाँ की स्थिति क्या है। हालांकि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद यह आदेश उपायुक्त महोदयों को दिया है कि जल्द से जल्द जहां भी बरसाती पानी का ठहराव हो गया हो, खास करके रिहायशी इलाकों में, उसके पानी जल निकासी को लेकर तुरंत प्रबंध किया जाए। लेकिन यहां अब तक किसी तरह का कोई व्यवस्था शुरू नहीं की गई है और यहां पर घरों में पानी भरा हुआ है। और हम सरकार के पास इस गाँव की आवाज पहुंचाने को लेकर यहाँ पहुंचे ताकि इस गांव की, इस घरों के आगे जो पानी भरा हुआ है इसकी निकासी हो और लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके।